दिल्ली की राजनीति में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल नजीब जंग में जंग फिर सामने आ गई है। राजभवन ने ताजा फरमान जारी कर ये जता दिया है कि दिल्ली की हुकूमत में उसकी भी हिस्सेदारी होगी। एलजी की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को तमाम फाइलें राजभवन भी भेजनी होंगी और केजरीवाल सरकार एलजी को फाइलें भेजने से मना नहीं कर सकती। उपराज्यपाल ने इस बारे में अफसरों को जारी निर्देश भी वापस लेने को कहा है। दिल्ली सरकार ने अफसरों को फाइलें राजभवन न भेजने की हिदायत जारी की थी, उस हिदायत को भी नजीब जंग ने नई नसीहत के साथ ठुकरा दिया है। एलजी ने कहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों का रोल उपराज्यपाल को सलाह देना है और कानून से जुड़े तमाम मुद्दों पर उपराज्यपाल की सहमति जरूरी है। जंग ने कहा कि सरकार अफसरों को जारी आदेश वापस ले और अफसर संवैधानिक प्रावधानों का पालन करें। भूकंप त्रासदी के बाद नेपाल में हालात का जायजा लेने के लिए नेपाल जाने वाले नीतीश कुमार की यात्रा को केंद्र ने फिलहाल टालने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुझाव दिया है कि वो अधिक उपयुक्त समय पर नेपाल के दौरे पर जाएं। नीतीश कुमार का जनकपुर जाने का कार्यक्रम था और सूत्रों की माने तो पहले नीतीश को जनकपुर जाने की इजाजत दे दी गई थी। प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्रालय की ओर से इजाजत जरूरी होती है, जो नीतीश कुमार को पहले मिल गई थी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश सचिव एस जयशंकर की हालिया यात्रा के बाद ये कहा गया कि मुख्यमंत्री के लिए नेपाल यात्रा पर जाने का ये सही समय नहीं है। जेडीयू ने कहा कि नीतीश की यात्रा की इजाजत रद्द किए जाने के मुद्दे को वो संसद में उठाएंगे। पार्टी सांसद केसी त्यागी ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि पूरी दुनिया नेपाल में मदद कर रही है तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं। जेडीयू ने कहा कि सरकार संघीय ढांचे का सम्मान नहीं कर रही। सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक का मकसद कई मुद्दों पर संसद में सरकार को घेरने के लिए सियासी रणनीति बनाना है। इनमें भूमि अधिग्रहण बिल, किसानों को मुआवजा और मोगा का मामला शामिल है। आज दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत दिन में 11 बजे ताल कटोरा स्टेडियम में होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस मौके पर नेपाल और भारत के बीच एकजुटता के लिए प्रार्थना भी की जाएगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि सरकार इस मौके को पिछड़ा और बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को खुश करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। अरुणाचल दौरे में रक्षा मंत्री आर्मी स्टेशनों का दौरा करेंगे और तवांग उत्सव में भी शामिल होंगे। इससे पहले चीन ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी के अरुणाचल दौरे का विरोध किया था, जिसे वो अपना हिस्सा बताता है। आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने आप कार्यकर्ताओं से आज से बड़े पैमाने पर पार्टी से इस्तीफा देने की अपील की है। आपके बागी गुट ने स्वराज संवाद अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से ऐसा करने को कहा है। दोनों नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। स्वराज संवाद कैंपेन के तहत योगेंद्र यादव इन दिनों अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं। कोलकाता में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की हालत को देखकर इस पार्टी से जुड़ने वाले लोग अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनका सिस्टम से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा कि वो स्वराज संवाद के जरिए देश को एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देना चाहते हैं। आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ग्रामीण प्रवास महासंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सतीश उपाध्याय उत्तरी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिताएंगे। ग्रामीण प्रवास महासंपर्क में वो बेमौसम बारिश से इलाके में बर्बाद हुई फसल के नुकसान का जायजा लेंगे और दिल्ली सरकार की ओर से मुआवजे में हो रही देरी पर भी लोगों से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने एक बार फिर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। बरेली में निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि राज्य में अपराधों पर नियंत्रण करने की अभी बहुत जरूरत है और मैं समय समय पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस मामले पर बात करता रहूंगा। गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने एक विवादास्पद बयान दिया है। मोरबी में एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने कहा कि मुसलमानों ने भारतीय संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति को हावी करने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे देश पर संकट का वक्त तब आया जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ था और उन्होंने मुस्लिम जीवन शैली को थोपने की कोशिश की थी। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक लेने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को एयरपोर्ट के पास भानियावाला में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। बाद में पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को डोईवाला में हिरासत में ले लिया और डोईवाला थाने ले आए।
पंजाब के मोगा बस छेड़छाड़ और हत्याकांड की 13 साल की मृत बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुरू में बच्ची का परिवार इसके लिए राजी नहीं था, लेकिन कल पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने मृतक बच्ची के पिता से मुलाकात की, जिसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मिलने के बाद मृत बच्ची के पिता ने कहा कि उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई सियासी दबाव नहीं है और मुख्यमंत्री पर उन्हें पूरा भरोसा है। सीएम बादल ने भी भरोसा दिया है कि वो पंजाब में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मोगा में 13 साल की मासूम बच्ची की मौत के मामले में विपक्षी दलों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। विरोधी दलों की मांग है कि बच्ची के साथ इंसाफ हो और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। उधर मोगा बस कांड में एक पत्र के बाद संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई है। काले हिरण शिकार मामले में आज अभिनेता सलमान खान की ओर से अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने के लिए जोधपुर कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे। हालांकि सलमान के वकीलों के मुताबिक आज उन्हें कोर्ट में खुद पेश होने की जरूरत नहीं है। बेगुनाही के सबूत पर अदालत का क्या निर्णय होता है, ये भी आज ही पता चल जाएगा। नागालैंड में उग्रवादी हमले में असम राइफल्स के 7 जवान और टेरिटोरियल आर्मी का 1 जवान शहीद हो गया। घटना मोन जिले के चोंगलांग सू इलाके की है, जब पहले से घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने अचानक से हमला बोल दिया। जवाबी गोलीबारी में एक उग्रवादी के भी मारे जाने की खबर है। पंजाब के लुधियाना जिले में खन्ना के पास एक निजी बस में लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ के बाद पीड़ित लड़की ने कंडक्टर और ड्राइवर से शिकायत की, लेकिन फिर भी बस नहीं रोकी गई। बाद में पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करने के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर छेड़छाड़ के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 6 में रोडरेज की घटना सामने आई है। बीती रात आउटर रिंग रोड पर 2 गाड़ियों में सवार लोगों के बीच मामूली कहासुनी के बाद मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में धुत 4 लड़कों ने एक परिवार को बुरी तरह से पीटा है और उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली से सटे नोएडा में सेक्टर 51 की झुग्गियों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक बच्चा झुलस गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। झांसी के बबीना थाना इलाके के मेन बाजार में कैंटोनमेंट बोर्ड की 10 दुकानें अचानक भरभराकर गिर पड़ी। दुकानों के गिरने की वजह से इसमें कई लोग दब गए। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए स्थानीय पुलिस और सेना के जवानों ने मौके पर मोर्चा संभाला। मलबे से 16 लोगों को जख्मी हालत में निकाला गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में खोदी जा रही सुरंग के ऊपर बने मकान के गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग पत्थर में दब गए। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जेसीबी मशीन से पत्थर को हटाने का काम जारी है। गुस्साए लोगों ने फरीदाबाद से गुड़गांव जाने वाले रास्ते में कई घंटों तक जाम लगा दिया। कुख्यात सुंदर भारती गिरोह का शार्प शूटर और 50,000 का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू UPSTF और बुलंदशहर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इस बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। जीतू उर्फ जितेंद्र के पास से पुलिस ने 32 mm पिस्टल, 9 mm कार्बाइन और मोटरसाइकिल के अलावा नकदी भी बरामद की है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला कारागार में कैदियों ने बंदी रक्षकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक बंदी रक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। बंदी रक्षकों का कहना है कि जिला जेल में जेल अधीक्षक की शह पर यह हमला हुआ है और जेल अधीक्षक कैदियों से पैसा लेकर उन्हें सुविधा देते हैं। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि कैदी ताश खेल रहे थे और इसी बात को लेकर उनका बंदी रक्षकों से झगड़ा हुआ। आगरा के थाना एतमादुद्दौला इलाके में एक महिला चोर को एक महिला की चेन तोड़ना महंगा पड़ गया। जिस महिला की जंजीर तोड़ी थी, उसने और उसके साथ की महिलाओं ने राहगीरों की मदद से इस महिला चोर को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। बाद में बड़ी मुश्किल से इस महिला चोर को बचाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में नशे में धुत सिपाही ने साथी महिला के साथ सड़क पर हुड़दंग मचाया। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में तैनात सुखराम सिंह यादव ने निघासन से सिंघासी जाने वाली सड़क पर जमकर हंगामा काटा। बाद में लोगों की भीड़ बढ़ी तो सिपाही महिला के साथ फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। महाराष्ट्र के सांगली में स्वाभिमानी किसान संगठन ने बेहद भड़काऊ भाषण दिया है। सरकार का भंडाफोड़ करने के लिए परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सदाभाऊ खोत ने किसानों को सलाह दी कि खुदकुशी ना करो, उल्टा जिस बैंक से कर्जा उठाया है बैंक को ही केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दो। विधानसभा चुनाव में स्वाभिमानी किसान संगठन ने बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन अब विरोध कर रहे हैं।
बेमौसम बरसात से बर्बाद किसानों की मौतों के पीछे एक राहत की खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से है। यहाँ की एक सामाजिक संस्था ने उन किसानों की बेटियों का सामूहिक विवाह कराया जिनका विवाह फसल बर्बाद होने की वजह से टल गया था। पटेल समाज के इन लोगों ने इन चार जोड़ों की शादी कराई जिनके परिवार बारिश और ओलावृष्टि से अपनी फसल खो बैठे थे। भारत सहित दुनिया के 35 देशों में एक साथ विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी से संबंधित चोटों पर रिसर्च करने के लिए विंग्स फॉर लाइफ फाउंडेशन के लिए फंड जमा करना था। इस मकसद का समर्थन करने के लिए विजेंद्र सिंह और आयुष्मान खुराना जैसी हस्तियां पहुंची थीं। उत्तराखंड में बेकाबू खनन माफियाओं ने महिला ट्रेनी IFS से नदी में खनन संबंधी छापे के दौरान अभद्रता की। अवैध खनन को रोकने के लिए नैनीताल जिले के बैलपड़ाव इलाके की नदी में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनी कल्याणी खनन रुकवाने पहुंची थी। कल्याणी ने आरोप लगाया है कि माफियाओं ने उसे डराने के लिए हवाई फायर किए और उसकी सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। नेपाल में भूकंप से अब तक मरने वालों की संख्या 7,250 तक पहुंच चुकी है जबकि घायलों की तादाद 14,267 हो गई है। इस बीच त्रासदी के 9वें दिन बीती शाम नेपाल में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इन्हें करीब 40 सेकंड तक महसूस किया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक मंदिर के पुजारी और महिला के बीच जमकर मारपीट हुई। महिला का आरोप है कि पूजा के दौरान पुजारी ने उससे अश्लील हरकत की और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। मंदिर परिसर में ही दोनों आपस में एक दूसरे पर वार करने लगे। बाद में महिला की शिकायत पर पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के देवघर में मोहनपुर थाना इलाके के बाराकोला में एक ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो सवार सभी लोग एक बारात से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। घायलों में दूल्हा दुल्हन भी शामिल हैं। मिर्जापुर शहर के पौश इलाके वासलीगंज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कबाड़ की दुकान की आग आसपास की दुकानों में भी फैल गई। लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की लेकिन बाद में अग्निशमन विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। लखनऊ में पुलिस लाइन परिसर में एक जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो धमाके वाली जगह एक लावारिस बैग पड़ा हुआ था और बैग में रिवॉल्वर, तमंचा, कारतूस और देसी बम रखे थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मुंबई के IIT पवई के बीटेक केमिकल के थर्ड ईयर के छात्र ने आत्महत्या कर ली। 21 साल के जीतेश शर्मा ने केमिकल पीकर अपनी जान दी। आत्महत्या की वजह पुलिस जांच रही है। इस मामले में जीतेश के कॉलेज के दोस्तों और IIT पवई के टीचर से भी पूछताछ की जा रही है। पूर्वी दिल्ली में त्रिलोकपुरी के 19वें ब्लॉक के दुर्गा मार्केट में राशन की गोदाम में चोर बड़े ही आराम से गोदाम के शटर को गैस कटर से काट रहे थे कि तभी गैस पंप फट गया और गोदाम में जबरदस्त आग लग गई। चोर तो मौके से फरार हो गए लेकिन गोदाम और आसपास की दुकानें जलकर राख हो गईं। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए। टक्कर मारने वाली गाड़ी का अब तक पता नहीं चल पाया है। बाइक सवार शादी में शामिल होकर लौट रहा था। गोरखपुर में देसी शराब से हुई मौत से गुस्साए ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भी लाठियां बरसाई। हंगामे के बीच पुलिस के 2 वाहनों और वायरलेस सेट को आग के हवाले कर दिया गया।